सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई सुबह, नए दिन, नए सफर, नए ब्लॉग में। और गाइस, ये आप देख पा रहे, अपना बैग तैयार है, एकदम पैकिंग वैकिंग करके रेडी है, ठीक है। और हम भी नहा धोकर एकदम मस्त तैयार हो गए हैं, और अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, टिफिन करते हैं और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस, राष्ट्रगान के साथ अपनी यात्रा का आरम्भ करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद साथियों, ठीक है, जा रहे हैं तो उसको लेना पड़ेगा ना। तो गाइस, सुनील भैया मुझे यहाँ मेन रोड पर छोड़ दिए, ठीक है, घर से ला करके स्कूटी से। तो सुनील भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी 7-8 दिन बस भैया के साथ में रहें, अमृतसर घूमें, ठीक है। तो अब यहाँ से अपनी यात्रा, जहाँ से विराम किए थे, अब वहीं से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, तो विराम से तो और आगे। तो गाइस, आज अपनी भारत यात्रा का 22वां दिन है, और जहाँ से मैंने अपनी पैदल यात्रा को विराम दिया था, वहीं से अपनी पैदल यात्रा का आरंभ भी किया हूँ। और भैया मुझे अभी थोड़ी दूर घर से रोड पर छोड़ दिए, ठीक है, बाकी अब अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस, ये भाई लोग मुझे मिले हैं यहाँ पर, कुछ क्या नाम है आपका? ये मुकेश भाई है, ठीक है, क्या नाम है आपका? ये अभिषेक भाई है, और आपका क्या नाम है भैया? शिव कुमार। ये शिव कुमार भैया, हम शंकर सर मुझे चाह रहे हैं। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिल करके। जा ही रहे थे रास्ते में तो भैया लोग से बात हुआ, अच्छा लगा, भैया लोग रुक के बात किए, बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? एकदम नाश्ता उत्ता करके चले हैं, चाय वाय अभी फिलहाल कुछ नहीं, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जूस वूस अभी कुछ नहीं, बाद में, अभी तो यात्रा आरंभ ही कर रहे हैं ना, तो अभी आपकी आप सबकी शुभकामनाओं की जरूरत है, आप सबकी शुभकामना बनी रहे, जो इतने दूर से आप आ रहे हो, हमारी तो नहीं। और ये यात्रा हम आप सबके सहयोग से, मेरी जो हिम्मत जुटा पाए, तो ये पूरा इधर आ जाओ आप लोग, क्या आ जाओ। तो गाइस, ये भाई लोग मुझे मिले यहाँ पर, बस ये हाईवे जा रहे थे तो भैया मिले, तो बात किए, बहुत अच्छा लगा बात करके। क्या नाम है भैया आपका? रिंकू। ये रिंकू भैया हैं, तो मुझे बोल रहे थे कि आपको लिफ्ट उफ्ट लेना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी फ़िलहाल लिफ्ट उफ्ट का ज़रूरत नहीं, अभी यात्रा में आगे बढ़े। और ये भैया मलिक, क्या नाम? मलिक, मलिक भाई है, बहुत अच्छा लगा बात करके। और आपका क्या नाम है? तो एक भाई है ना, और वो एक भाई है बाइक पर बैठा हुआ, क्या नाम है भाई? वेश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा भाई लोग से मिल करके बात करके। बाकी भाई थोड़ा जल्दबाजी में है, कहीं निकल रहे हैं, बटाला जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, बटाला जा रहे हैं, चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अरे नहीं, अरे शाम तक पहुँचेंगे ना, अभी मान लो बटाला पहुँच जाएंगे तो फिर आगे भी तो जाना है, ये पैदल ही जाना है ना। हाँ वो तो सही बात है, जाने में क्या है, वो तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मुझे आगे, फिर वहाँ से तो फिर आगे जाना है, बताला आप एक घंटा भी छोड़ देंगे, है ना, फिर आगे मुझे जाना पड़ेगा। बहुत
तो गाइस अभी बज रहे 12 और धूप बड़ी तेज हो गई है, ठीक है। तो चश्मा लगा लिया, सनग्लास है ना, मस्त लग रहा है, सही है। तो गाइस ये भैया लोग मुझे मिले हाईवे से, रास्ते से जा रहे थे, तो भैया लोगों ने मेरा स्वागत किया फूल माला के साथ में, बहुत अच्छा लगा। बाकी कुछ नमकीन बिस्किट्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह दे रहे हैं, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन भैया का प्यार है, स्नेह है, सपोर्ट है इस भारत यात्रा में, तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। एक बार भारत माता की जयकारा हो जाता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। आपका क्या नाम है भैया? सुशील सेठ। सुशील सेठ भैया जूस पिला रहे, तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, भारत यात्रा में ये इनका सहयोग और सपोर्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो गाइस कुछ अचानक से ऐसा हुआ कि उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, वो जो पीछे दुकानदार भैया लोगों ने थे, उन लोगों ने फूल माला से मेरा स्वागत किया, उसके बाद नमकीन बिस्किट कोल्ड ड्रिंक जूस का बोतल हुआ पे, तो हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने मना भी करा, लेकिन फिर भी उनका स्नेह प्यार था तो ले लिया मैंने। बाकी उन्होंने मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा, लेकिन उन्होंने जो स्वागत करा फूल माला के साथ में, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सका यार, मतलब वो अचानक से जाना मोबाइल पॉकेट में था, रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। चलो कोई नहीं, लोगों का स्नेह है, प्यार है ना, लोगों का सहयोग है इस भारत यात्रा में। फिर आगे बढ़े तो वो भैया ने जूस खिलाया, उनको तो रिकॉर्ड कर लिया, तो बाकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबके सहयोग और सपोर्ट से मेरी ये भारत यात्रा बहुत ही आनंदमय, शायद सुगम और मंगलमय होती जा रही है। न्यू जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बटाला, तो गाइस आप देख पा रहे हैं बटाला मार्केट है, ठीक है, और अभी हम लोग बटाला पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस ये भैया मुझे मिले हैं, क्या नाम है आपका? प्रिंस भैया मुझे बोल रहे थे पीने के लिए, अभी पीछे ही मुझे वो भैया ने बताया था, भैया बोल रहे कोई बात नहीं, आप बहुत खुशी हुई आपको देखिए, आपको बहुत धन्यवाद, और कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद, भैया का प्यार है, सहयोग है, हालांकि मैं पीछे जूस पी चुका हूँ, लेकिन फिर भी भैया का प्यार और सहयोग मैं मना नहीं कर सकता, है कि नहीं? भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस जूस गन्ने का, तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भैया बोल रहे हैं कि वो कुछ वो डाल दे रहे लिफाफे में, आप आगे फिर बाद में खाना चाय वे के साथ में, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भारी हो जाएगा मेरे पास में, इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो गाइस आज तो यार जूस पी करके पेट भर गया भाई, बड़े बड़े गिलास है, ठीक है, बड़े बड़े गिलास में भर भर के जूस, दो गिलास जूस का पी हो गया, घर से फिर टिफिन करके निकला था, पराठे वराठे, फिर भैया ने भी टिफिन डाल करके रखे बैग में, पराठे हैं, सब्जी है, भुजिया है, अचार है, फिर चलो कोई नहीं, सबका प्यार है यार, सबका सहयोग है, हम तो भैया सबके प्यार और सहयोग को दिल से लगाते चलेंगे, आगे बढ़ते। तो गाइस ये भैया लोग मुझे मिले, ई रिक्शा से आगे जा रहे थे, मैं तो पीछे पीछे आ रहा था, भैया लोगों ने देख करके रोका, बात किए, बहुत अच्छा लगा, ये भैया लोगों का स्वागत है, प्यार है ना,
बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दीपक। ये दीपक भैया हैं, बाकी मेरा नाम स्टीफन। स्टीफन भैया हैं, और आपका क्या नाम है भैया? ऋषु भैया हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों का ये स्वागत प्यार, बहुत बढ़िया लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी बहुत खुशी भाई साहब से मिल के और इनकी जर्नी के बारे में सुन के कि इतना बढ़िया ये जर्नी पे निकले हैं। आज 22वां दिन बोल रहे हो गया, लेकिन कसम से हम लोग तो एक दिन भी ना चल पाए, लेकिन ये भाई साहब की हिम्मत है और माता रानी का आशीर्वाद है जिसकी वजह से ये चले हैं। और अभी पता नहीं कितने दिन लगेंगे इनको, लेकिन जैसे भी पहुंचे चलो आप लोगों का भी सहयोग चाहिए इन्हें। बिल्कुल, हम तो दे ही रहे सब जो भी हमारा साथ है सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ये भैया मुझे मिले हैं, बोल रहे हैं कि कुछ खाओगे पियोगे, अभी तो कुछ खाने पीने का पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। और भैया अंगूर दे रहे हैं कि ठीक है आप फल ले लो आगे खाना। तो बाकी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये अंगूर बोल रहे रास्ते में काम आएगा, आप रास्ते में खाना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं बस धन्यवाद। जय माता की, जय माता। तो गाइस आप देख पा रहे हैं गुरदासपुर 29 किलोमीटर और पठानकोट 69 किलोमीटर, बस थोड़ा सा यहाँ से और आगे जाएंगे तो हाईवे मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। तो गाइस बटाला शहर से बाहर निकल रहे हैं, बस अब हाईवे पहुँचने ही वाले हैं। ये पीछे हाईवे है, ये बस जा रही है। ठीक है, हाईवे पे पहुँचते। तो गाइज ये आप देख पा रहे हैं जम्मू 171 किलोमीटर और पठानकोट 73 किलोमीटर, और ये हम लोग अब हाईवे पे पहुँचने वाले। ठीक है, सामने थोड़ी दूर पे हाईवे है। ठीक है, और ये पठानकोट का एरो दिखा रहा उधर, देख लो गाइज मस्त हाईवे के पास में ही है ना। तो गाइस रोड के उस पार एक पाजी हैं, वो रिक्शा चला के जा रहे थे, मुझको देख कर के आवाज़ दी और रुके। देखते हैं बात करते क्या बोल रहे हैं। सत श्री अकाल पाजी, यात्रा में जा रहे हो? यात्रा में पापा जी। अच्छा, कहाँ? मैं तो पूरी भारत माता की यात्रा करनी है मैंने। अच्छा। लेकिन मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ पठानकोट होते हुए। हाँ। माता रानी के दर्शन करेंगे। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं तो वेस्ट बंगाल आसनसोल से हूँ। आसनसोल मेरा जन्म स्थान है। अच्छा अच्छा, तो कब से? मैं तो दिल्ली अशोक विहार से चला हूँ पापा जी। अच्छा, दिल्ली अशोक विहार से मैं चला हूँ। इधर आ जाइए। मैं 2 फरवरी 2023 को चला हूँ। आज आज मेरा 22वां दिन है। अच्छा, हाँ यात्रा का। ठीक है, हाँ इधर गोल्डन टेम्पल वाहेगुरु के दर्शन करें, उधर राम तीर्थ दर्शन करें, बाघा बॉर्डर दर्शन करें। अच्छा, बस अभी आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पापा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है पापा। तो गाइज सही है, वो उस पार थे पाजी रोड के, उस पार से वो जा रहे थे, जिसको देखा आवाज़ लगाई वहीं से, फिर रोके, रोक करके आए, अपनी रिक्शा रिक्शा चला रहे थे, आए मुझसे बात करें। मुझे अच्छा लगा, ये लोगों का प्यार है, स्नेह है और वेलकम है। ठीक है, लोगों का तो अच्छा लगता है। सही है, ढाई बजने वाले क्या बज गए, दो एक मिनट बाकी। ठीक है, ये हाईवे है और यहाँ पर इधर में थोड़ा सा स्पेस दिखा बैठने के लायक। ठीक है, ये अपना बैग है। ठीक है, एकदम अपना तिरंगा लहराता हुआ। बाकी उधर में कोई पाजी का घर है और इधर में हरियाली है, खेत है हरे हरे। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पर और खाना वाना खाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो गैस ये देख पा रहे हैं यहाँ से, ये कुछ
बोरिंग का पानी भी नहीं जाता यहाँ से खेत में, ठीक है। ये कुछ पानी जमा करने के लिए बनाया हुआ है, तो यहाँ से पानी ले लिए और चलते हैं। पानी ये पीने के लिए नहीं है, पीने के लिए तो वो भैया लोगों ने जूस दे रखा है ना, तो वो भी तो खाली करने पड़ेंगे, नहीं तो वो ऐसे ही भारी रहेगा 200 ग्राम। तो 200 ग्राम वो जूस पी जाएंगे खाने के साथ में, तो वो तो हल्का हो जाएगा 200 ग्राम का। और ये पानी है वो धोने के लिए, फल वो भाई ने फल दिया है ना, तो वो फल धोएंगे। और हाँ तो भी तो धोने के काम में आएंगे, अभी रोटी पानी खाएंगे तो, है ना। और रोटी की बात करें तो पराठा भुजिया पिट्ठा भैया के घर से मिला है, ठीक है, सुनील भैया के यहाँ से। तो गाइस ये पिट्ठा है, फ्राई पिट्ठा, ठीक है, तो सुनील भैया के घर से। और बाकी इधर पन्नी में देख पा रहे हैं, भुजिया है, पिट्ठा है, पराठा है, तो डबल ट्रिपल पन्नी बांध करके दे दिए, ठीक है। एक पन्नी में भुजिया है, बाकी एक पन्नी में पराठा है, पिट्ठा है, पिट्ठा है, उसके बाद फिर ऊपर से पन्नी लगा दिए। और ये हाथ धोने के लिए पानी, हाथ धो लिए, अभी पिट्ठा खाते हैं। और ये सिर्फ हाथ धोने के लिए नहीं है, हाथ धो लिए खा लेंगे उसका, जिसमें अंगूर धोएंगे, ठीक है, उसके बाद मस्त खा पी करके फिर आगे बढ़ेंगे। गाइस लिमका वो दुकान वाले भैया ने दिया था, लिमका नमकीन मिक्सचर और बिस्किट के पैकेट, ठीक है, और फाइनेंशियल सपोर्ट करा था और फूल माला से स्वागत करा था, ठीक है। तो लिमका तो वैसे मैं ठंडा पीता नहीं हूँ, लेकिन ये 300 ml का है, और 300 ml तो मेरा इसको पी जाऊँगा तो बेग से हल्का होगा, है कि नहीं। तो भैया का स्नेह है, प्यार है, तो पी जाते हैं। सही है, खा पी लेते हैं, पी लेते हैं, हजम हो जाएगा, है ना। तो गाइस मस्त वाले अंगूर, ठीक है, तो पानी में डालते हैं, उधर धोते हैं, फिर खाते हैं, ठीक है। ज़्यादा खा लेने से भी समस्या है यार, चला नहीं जाता। भैया के घर से पराठे दिए थे, भुजिया तो बाप रे मत बोलो, इतना तेल था, बहुत ज़्यादा तेल। पराठे, पिट्ठा, भुजिया मस्त खा लिए, उसके बाद अंगूर और कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक अंगूर खाने से पहले पी लिए थे, खाने के साथ पी लिए थे कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। और अच्छा है ये सब, हल्का भी हुआ, ठीक है, नहीं तो बैग मेरा भारी हो गया था, कम से कम 1 kg जैसा वजन हल्का हुआ बैग से, ठीक है। बाकी मस्त आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हाईवे पर ही हैं। तो गाइस इधर में कुछ पाजी लोग हैं, ठीक है, मुझे हाथ दे करके बुलाया, इशारा करके पूछ रहे थे, उधर माता रानी जा रहे हैं, चलते हैं बात करते हैं। सत श्री अकाल पाजी, पाजी मेरी तो पूरी भारत यात्रा चल रही है, हाँ मैंने शुरू करी है दिल्ली का अशोक विहार से, आज 22वां दिन, हाँ सत श्री अकाल पाजी, हाँ पैदल तुरके चल रहे, आज 22वां दिन है अपनी यात्रा का। कितों आए? मैं तो दिल्ली का अशोक विहार से यात्रा आरंभ कर रहा हूँ, लेकिन मैं रहने वाला हूँ वेस्ट बंगाल आसनसोल। मैं तो जाऊँगा यहाँ से माता रानी, यहाँ से पठानकोट होते हुए माता रानी, वैसे मुझे पूरी, हाँ वैसे मुझे पूरी भारत माता की यात्रा करनी है, लेकिन अभी तो सामने माता रानी के, वैष्णो माता के दर्शन करने हैं ना, उसके बाद फिर वहाँ से होते हुए फिर पूरी भारत माता की यात्रा करनी, आगे बढ़ना है। नहीं चाय सोई अभी कुछ नहीं, अभी अभी खाना वाना खा लिए अभी, हाँ थोड़ी खर्चा वर्चा तो लोग ही सहयोग कर दे रहे हर जगह पे, थोड़ी बहुत अगर खुद से भी होते तो करते हैं, बाकी हर जगह पे लोग फाइनेंशियली सपोर्ट कर देते हैं। तो गाइस ये भैया लोग मुझे मिले, हाईवे से जा ही रहा था, भैया ने आवाज़ देख के बुलाया, बोला बैग भी रखो थोड़ा हल्का करो, बैठो आप पानी सानी पियो, तो पानी भी पिला, मैं तो फल उल खा के चला था, पेट में जगह नहीं थी पानी के लिए, इनको भी पानी पिया। भैया लोग का प्यार है, इसने भैया लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? करण सिंह। ये करण सिंह भैया, और आपका क्या नाम है? सज्जन सिंह। ये सज्जन सिंह है, और ये चचा है, क्या नाम है चचा? बलदेव राज। बलदेव राज चचा है,
बहुत बढ़िया लगा। कुछ कहना चाहेंगे भैया? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। चाय भाई भी नहीं? चाय भाई तो मैं चाय जब ठंडी लगती है तब पीता हूँ, नहीं तो चाय में नहीं पीता हूँ। जैसे कि सुबह का टाइम में ठंडी लग रही बॉडी को, चाय की जरूरत है तभी पीता हूँ। बाकी फल जूस खाना वाना ये सब सही, तो बाकी अभी तो खाना वाना खा लिया, फल खा लिया। बाकी हुए भैया है, क्या नाम है आपका? रवि। ये रवि भैया है, बहुत अच्छा लगा आपसे सब मिल करके, बैग उग रखे हल्का किए, पानी खाने किए। कुछ कहना चाहेंगे आप? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, हाँ यात्रा में आगे बढ़ते। तो गाइस हाईवे पर सीधा आगे बढ़ते बढ़ते मुझे यहाँ पर दिखा कुछ कुछ क्या यहाँ पर वो गन्ने का रस से गुड़ बना रहा है, ठीक है। तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं गन्ने के रस से कैसे गुड़ बनता है। मैंने पहले भी देखा है जब मैं गांव में गया था एक जगह, तो दिखाता हूँ बैक कैमरा से, ठीक है। इधर भी देख लो भाई। सत श्री अकाल पाजी, पापा जी सत श्री अकाल। देखो भाई गुड़ बन रहा गन्ने के रस से, पापा जी सही है। ये गन्ने के गुड़ है ना पाजी? हाँ गन्ने के गुड़ है। बैक कैमरा दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस मेरा नाम शंकर शंभू प्रसाद है। हाँ हर दिन की सुबह से शाम की जो जर्नी होती है वो यूट्यूब पे डालते हैं। हाँ मेरा तो काम वैसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में था, अभी मैंने क्विट कर रखा है, छोड़ रखा है। इसके अलावा ट्रेडिंग का भी काम है मेरा शेयर मार्केट में, तो वो भी अभी क्विट कर रखा। अभी यात्रा के दौरान कोई काम धाम नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ यात्रा करनी है, सिर्फ यात्रा करनी है। वहाँ से चले दिल्ली से मैंने चला तो हरियाणा होते हुए, हरियाणा हम लोग का तीर्थ स्थल है कुरुक्षेत्र, महाभारत जहाँ हुआ था कुरुक्षेत्र, वहाँ पर स्नान करे, वहाँ पर तीर्थ स्थल के दर्शन करे कुरुक्षेत्र के, उसके बाद फिर वहाँ से। तो गाइस ये आप देख पा रहे हैं गुड़ अभी एकदम फ्रेश और ताज़ा गुड़ अभी बन रहा है, आप उधर कढ़ाई में देख पा रहे हैं, ठीक है। ये देख लो उधर में वो गन्ने का रस है ना पापा जी? हाँ वो गन्ने का रस है, वो पकेगा, पक कर के ऐसा हो जाएगा गुड़। ये देख लो भाई गन्ने का रस इधर भी रखा हुआ, उधर कढ़ाई में भी है। ये हाँ पीछे गन्ना पर, हाँ सारे तो ये आप देख पा रहे हो, ये मशीन है गन्ने की, गन्ने का रस यहाँ से निकलता है, ठीक है, मशीन से ये गन्ना पड़ा हुआ है और मस्त यहाँ से रस निकलता है। और ये आप देख पा रहे हैं गन्ने के ही सारे खरपतवार हैं और उधर में गन्ना का रस से गुड़ बन रहा, ठीक है। तो गुड़ तो मेरे बैग में भी होंगे, बाकी थोड़ा सा मैं गुड़ खा करके ही चलूँगा, ठीक है। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद पापा जी लोगों को। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे पापा जी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आगे पहाड़ पे, हाँ 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 तो उधर खाने के लिए है सही। तो गाइस ये पीछे देख पा रहे जहाँ से गन्ने का रस से गुड़ बन रहा, ठीक है। तो ये पन्नी में भर के तो अलग दे दिए, ठीक है, आधा किलो जैसा होगा, और अलग से ये और फिर हाथ में भी दे दिए खाने के लिए। तो पापा जी लोगों का स्नेह है, प्यार है, सही होगा। उन्होंने कहा कि आगे आप जाओगे ना पहाड़ चढ़ाए, उधर जब चढ़ोगे तब उधर खाना, उधर आपको ज़रूरत पड़ेगी, रख लो। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि आधा किलो वज़न भारी हो जाएगा मेरे भाई, लेकिन कोई नहीं, भारी हो जाएगा तो हो जाएगा, है ना। मैं भी देख लो गाइस ये भी गन्ने का ही है, यहाँ पर भी गन्ने के रस से गुड़ बनते हैं, ठीक है। ये पास पास में ही है, एक वहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अच्छा लगा यार, मज़ा आ गया। गजब का स्वाद है भाई, ठीक है, मुंह में लेने के बाद ऐसे ही गल जा रहा गुड़, अभी ताज़ा ताज़ा बना हुआ गरम गरम।
थोड़ा सा खा रहे, ज़्यादा नहीं। वैसे गुड़ खाने से खाना हजम हो जाता है, ठीक है। बाकी बैग में डाल लिए, बाद में थोड़ा थोड़ा करके खाते रहेंगे जब ज़रूरत होगी। देख लो गाइस, गांव इसे कहते हैं यार, मस्त गांव वाली है ना फिल्म। चारों तरफ ये मेन हाईवे और ये गांव, खेत ही खेत है, इधर गांव है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते हम आ गए सरसों के खेत में। अरे बोल, मस्त यार एकदम। देख लो भाई, एकदम चारों तरफ फूल ही फूल है सरसों के। ओहो सही है, बाकी हाईवे यही है, पास में ही आई है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, हाईवे पास में था इसलिए आगे खेत में। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। देख लो भाई पीछे दूर दूर तक करते करते, ठीक है। देख लो भाई, पंजाब के खेत ही खेत, गांव है, कितने दूर दूर में एक एक घर है। देख लो ये घर है और चारों तरफ खेत है ना, मस्त। ये भी घर है, चारों तरफ खेत है, और ये इधर में हाईवे है और हम इस वाले रोड पे चल रहे हैं, मस्त, ठीक है। ये देख लो गाइस, गोईठा बोलते हैं इसको, उपले कंडे ये मोटे मोटे हैं, सही है। तो गाइस 5 बजे, ठीक है, और ये यहाँ पर एक गुरुद्वारा दिखा, ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। अभी काम चल रहा है, निर्माण कार्य, ठीक है, ये देख पा रहे गुरुद्वारा का गुंबद है, तो चलते हैं देखते हैं। अगर रात को रुकने की सुविधा होगी तो रात को रुक जाएंगे, बाकी फिर कल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस वाले गुरुद्वारे में आप पीछे देख पा रहे हैं, इस वाले गुरुद्वारे में तो रुकने की सुविधा नहीं है रात को, ठीक है, तो कोई नहीं, उन्होंने बताया बाबा जी ने कि आगे 2 किलोमीटर आगे एक और गुरुद्वारा है, तो वहाँ पर हो जाएगी। उन्होंने कहा कोई नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी एक पेट्रोल पंप भी दिख रहा, ठीक है, सामने ही है, तो देखते हैं क्या करते हैं, पेट्रोल पंप पे बात करते हैं कि आगे गुरुद्वारा पे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे भी पेट्रोल पंप है, तो ये छोड़ कर आगे बढ़ जाते हैं। देख लो भाई, ये यहाँ से पुल स्टार्ट है, ठीक है, और कितना लंबा है भाई, इधर से लेकर के रोड के उस पार और फिर उधर से उस पार, उतना लंबा। अरे बाबा, तो गाइस ये भैया मुझे मिले हैं, तो मैं गुरुद्वारे देख रहा था अपनी यात्रा विराम करने के लिए, 5 सेवा हो रहे हैं, तो भैया मुझे लेकर के आ गए ये सामने गुरुद्वारे पर, तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भैया अपने चैनल का सब्सक्राइब करके अपनी यूट्यूब फैमिली के सदस्य भी करना है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ यही संकट सब विचार, तो गाइस गुरुद्वारे में बैठे हुए हैं, ठीक है, और अभी 5:30 बज रहे हैं और ये खटिया पे बैठे हुए हैं, अब देख पा रहे खटिया, ठीक है, तो खटिया पे बैठे हुए हैं। पापा जी से मैंने बात की, हालांकि वो भैया ने बात किया था फोन पर, पापा जी से मैंने बात करी कि रात को उठना है, तो उन्होंने कहा कोई नहीं आप बैठो, बैठा दिया, अब देखते हैं रात को कमरे की व्यवस्था है या फिर खटिया पे ही सोने पड़ेंगे, तो जैसे भी होगी रात रुक जाएगी, ठीक है। पापा जी बोल रहे थे कि लंगर वंगर चकड़ा है, मतलब लंगर खाना है, प्रसाद खाना है, तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने मना किया अभी कि नहीं पापा जी, मैं तो खाना वाना खा लिया था, पीछे लंगर पा लिया था, तो अभी कुछ नहीं खाना, तो उन्होंने कहा कोई नहीं बैठ। तो गाइस आप गुरुद्वारा देख पा रहे हैं, ठीक है, इस गुरुद्वारे में आज हम रात रुकेंगे, ठीक है, तो इधर में देखते हैं क्या रुकने की सुविधा है।
चलते हैं उधर में, पापा जी लोग बैठे हुए हैं ठीक है, तो उधर में खटिया पे बैठते हैं फिलहाल, अभी बैग वो अपना वहीं पर है। तो गाइस रात इसी हॉल में सोएंगे ठीक है, ये खटिया है, मैंने अपना ब्लैंकेट निकाल लिया है, उधर पापा जी सोएंगे, उधर में कोई पापा जी सोएंगे ठीक है, बाकी ये हॉल है ठीक है। और निर्माण कार्य अभी चल रहा है गुरुद्वारे में, तो आज रात यहीं पर सोने की सुविधा है ठीक है, और मैंने अपना ब्लैंकेट निकाल लिया है, चादर निकाल लिया है, और मस्त अभी सो जाएंगे ठीक है। खाना पानी हो गया मेरा, और आज की इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और कल फिर मिलते हैं एक नए सफ़र में नए ब्लॉग।